कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के जम्मू कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 लागू करने के बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं की हमलों के बाद अब दिग्विजय सिंह अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। उनके छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह और उनकी पत्नी रूबीना सिंह ने दिग्विजय सिंह पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल लक्ष्मण सिंह की पत्नी रूबीना सिंह ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर लिखा कि कश्मीरी पंडितों और तथाकथित आरक्षण के बारे में बोले गए शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब सीमा पार के एक पत्रकार से कहा गया है, एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमें शांति से रहने नहीं दिया, मानो हमने पर्याप्त कष्ट नहीं उठाया हो, हानिकारक और दुर्भाग्यपूर्ण। ये ट्वीट उन्होंने किया उस बयान को लेकर जो दिग्विजय सिंह ने हाल ही में किया था, क्लब हाउस की चैट जो लीक हो गई थी उसमें ये सामने आया था। और इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के इस बयान पर निशाना साधा है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 लगाना अब संभव नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि आर्टिकल 370 का समर्थन करने वाले फारूक अब्दुल्ला एनडीए की सरकार में मंत्री रहे हैं और साथ ही आर्टिकल 370 की समर्थक महबूबा मुफ्ती का समर्थन भी बीजेपी को मिल चुका है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके बाकायदा कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को भी टैग किया है। आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मण सिंह लगातार कई मुद्दों को लेकर अपनी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं। इससे पहले लक्ष्मण सिंह ने महाराष्ट्र सरकार से कांग्रेस को समर्थन वापस लेने की नसीहत भी दी थी और मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तो उस वक्त कमलनाथ सरकार के कर्ज माफी के मुद्दे पर पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी वो निशाना साध चुके थे। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मण सिंह की पत्नी रूबीना सिंह इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई फैसलों पर निशाना साध चुकी है। रूबीना सिंह ने कमलनाथ सरकार में लक्ष्मण सिंह को मंत्री ना बनाए जाने पर भी उन्होंने निशाना साधा था और अब दिग्विजय सिंह के कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने वाले बयान पर भी वो दिग्विजय सिंह को घेरती नजर आ रही है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि रूबीना सिंह कश्मीरी पंडित है और वो कैंसर पीड़ितों की काउंसलिंग भी करती है। और यहाँ पर एक बार फिर दिग्विजय सिंह ना सिर्फ बाहर के नेताओं से बल्कि अपने घर में भी, घर के लोगों से भी घिरते अपने बयान की वजह से नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।